हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड वेलकम टू जास्ट 1500 डेज। जी हाँ गाइस, तो आज है हमारा 49th डे एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा औसम होंगे। सबसे पहले गाइस, अभी तक अगर आपने बाकी के चैलेंजेस को चेकआउट नहीं किया तो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड दूसरी बात गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनली कल के दिन यू नो रिएक्ट वर्जन 19 का जो कॉन्फ्रेंस था, रिएक्ट कॉन्फ्रेंस वो लाइव हुआ था। मैंने आप देख सकते हो जब भी लाइव हुआ था 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मैंने लिंक भी शेयर कर दी थी। आज भी वापस 9:30 बजे स्टार्ट होने वाला, तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड बहुत जल्द हम रिएक्ट से स्टार्ट करने वाले, एंड हिस्ट्री के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर ही चुका हूँ, तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिए। एंड ऐसे ही अप टू डेट रहना है अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो गाइस चेकआउट थापा टेक्निकल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली आज 49th डे, जो कि बहुत ही ऑसम बात है। एंड कल जो होगा 50th डे, उसमें बहुत स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो क्या है देन? आज का वीडियो होने जा रहा है, वी नीड टू वैलिडेट द डेट फॉर्मेट। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट कहाँ नहीं यूज होता। मतलब पैदा होते ही बच्चा कौन से तारीख को पैदा हुआ, खत्म, उधर ही डेट आ गया। उसके बाद फिर स्कूल वैलिडेशन बोलो, स्कूल में एडमिशन कराना हो, पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन कराना हो, आपका आधार कार्ड कराना हो, जॉब लगे वहां पे आपका डेट पूछे, यू नो आपने कौन से ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की, डेट कहाँ यूज नहीं होता। तो डेट वैलिडेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गाइस बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते। देखो वैलिडेशन करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन उनमें से एक सिंपल तरीका है विद द हेल्प ऑफ रेजेक्स। जो भी रेजेक्स समझ लेता उनको फिर गाइस वैलिडेशन करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे रेजेक्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो अभी तक उनको भी चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रॉम डे नंबर 42 या 43 से मैंने कम्प्लीटली पूरा रेजेक्स ही रखा हुआ है, रेजेक्स क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि पहले तो आप रेजेक्स को अच्छे से समझिए, एंड देन उसके बाद अभी के अभी वीडियो को कीजिए पॉज एंड आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि हमें ये जो डेट का फॉर्मेट है उसको आज हमें चेक करना है कि ये वैलिड है या नहीं। कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में रखा है, जैसे कि 01 से लेके 31 तक होना चाहिए आपका ये जो भी, एक सेकेंड, पहली बात तो यहाँ पे है कि मंथ का जो वैलिडेशन है वो 01 से लेके 12 तक होना चाहिए। मतलब 01 आपका जनवरी होगा एंड जो 12 होगा वो आपका दिसंबर का लगेगा, ठीक है। अब 13 नहीं करना, तो आपको एक वैलिडेशन अब यहाँ पे रखना है कि कैसे मैं 01 करूँ एंड देन 112 तक लेके जा सकूँ। मतलब 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12 इतना। आप यहाँ पे 00 उसको नहीं कर सकते, तो ये वैलिडेशन आ गया। एंड देन उसके बाद आप वैलिडेशन देख सकते हो कि हमारा जो मंथ है वो 01 से लेके 31 तक होना चाहिए, क्योंकि 31 से ज्यादा तो होगा नहीं और 01 से कम होगा नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तो लेटर ऑन कोई मंथ ऐसे होते जिसमें सिर्फ 30 दिन रहते हैं, इवन लीप ईयर में तो वी हैव लाइक 28 दिन या आई गेस या सॉरी 29 डेज, एंड देन बाय डिफॉल्ट बाकी फरवरी का महीना 28 रहता है। तो ये सारी चीजें ऑप्शनल है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हो। एंड देन एट दी एंड में आपका जो ईयर का वैलिडेशन होगा वो आपको 1900 से लेके 2099 तक का करना है, ठीक है। तो आई होप आपको कंडीशन पता चल गया। प्लीज आप वीडियो को फिर से पॉज कीजिए अगर पहली बार आपने नहीं किया था, एंड इसको ट्राई कीजिए कि आप विद द हेल्प ऑफ रेजेक्स कैसे इसको टैकल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डेट्स के फॉर्मेट रखे हैं। अब हम बिना किसी देर के इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव दिस 1 एंड देन 12। अब आप मुझे एक बात बताओ कि हम ये जो पर्टिकुलर रेंज इसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा 1 एंड देन 12, जो भी हो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 05/12/ इसको मैं 4500 कर देता हूँ, ठीक है, ये हम ये कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे किसी भी तरीके से हम जीरो आगे लगाने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि जीरो से लेके ये तो बेसिकली 9 भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये 9 भी हो सकते हैं। तो जीरो से लेके 9 तक कोई एक वैल्यू है ना, ये रेंज हम लगा देते एक का। एंड देन दूसरा ये जो है 2 वाली जो पार्ट थी इसको हम कर सकते हैं। देखो अब ये जो 2 है ये तो मंथ है, इतना याद रखना जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है, ठीक है, वहां पे कैसा रहता है कि ये जो फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है डेटा, ये बेसिकली आपका डे नहीं है, बिकॉज इन इंडिया वी हैव लाइक पहले डे फिर मंथ एंड देन क्या आता है आपका ईयर आता है, ठीक है। एंड इवन यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं एक सेकेंड ना, ऑल आउट गाइस, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस पर्टिकुलर जगह पे, देखिए जरा क्या लिखा है यहाँ पे, आज है 16 तारीख और 5वां महीना, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 5वां महीना। इवन हमारे जो ये विंडो पीसी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपने कभी नोटिस की ना, आई मीन की होगी या नहीं, लेकिन
स्टार्टिंग का जो डेट का जो फॉर्मेट है वो आपका मंथ है। आप कहीं आप ऐसा ना कर दो कि यू नो जल्दबाजी में किसी ने डेट पूछा है ना आप महीना बता दो इंस्टेड ऑफ डेट। क्योंकि इंडिया में हम क्या करते हैं, हम 16 लिखेंगे पहले, फिर 5 लिखेंगे, फिर 2024 लिखेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऑल राइट, तो आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, फिर से अब वही है, ये तो या तो एक होगा या तो दो होगा। सर एक या दो भी नहीं, यहाँ पे वो 10 भी तो हो सकता है कुछ इस तरीके से, एंड ये भी एक। आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा होगा, एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अब एटलीस्ट 0 से 9 के बीच, और या तो वो एक, या तो 0 या तो 1 या तो 2। अब बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन मैंने बना दी गाइस, यहाँ पे मेरा कॉम्बिनेशन हो गया 0 से लेके 0 एंड मैक्सिमम जाएगा वो 92 तक। लेकिन ना तो मुझे 0 से लेके 0 चाहिए, ना तो मुझे 92 चाहिए, तो ये गलत है, समझ रहे हो? ये जो हमने कंडीशन की, इसमें ये वाला जो मैंने अभी लिखा ना 0 0 एंड देन 9 एंड देन 2, ये भी पॉसिबल है। इवन 92 क्या, ये इवन ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो 50 या 51 या 50, मतलब समझ रहे, ये वाले रेंज पॉसिबल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। सो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये स्टार्टिंग आपका ये जो भी कैरेट है, बट इसको हम मेटा एस्केप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा एस्केप, जो कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द लाइन बता रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपका लाइन स्टार्ट हो गया। अब नो मैटर वॉट, आपको जीरो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? जीरो लगेगा ही लगेगा। एंड जीरो की जो वैल्यू है वो आपको लगने वाली है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 01 01 होगा, 02 हो सकता है, 03 04 05 06 07 08 एंड बेसिकली स्पेस तब नहीं देना चाहिए था, 09, ठीक है? अब यहाँ पे 01 वापस और रिपीट हो जाएगा, तो एटलीस्ट मुझे 01 से लेके 09 तक तो मेरे को चाहिए एनी हाउ। उसके बाद 10 11 एंड देन 12, तो ये जो है या तो ये, ये दो कंडीशन मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है? ये दो कंडीशन मुझे देने ही पड़ेंगे नो मैटर व्हाट। तो जीरो मुझे चाहिए, उसके बाद आप ब्रैकेट दो, ये आपके कैरेक्टर क्लास है जिसमें आप बोल दो 01 भी हो सकता है, 02 03 4 5 6 7 8 एंड देन 9 भी हो सकता है। ये मेरा पहला कंडीशन ट्रू। आप देख सकते हो ये जो 05 है ये सिलेक्ट हो गया, एक मैच हो गया, बट वहीं ये 12 मैच नहीं हो रहा है। अब और ऑपरेटर लगाओ एंड ये बोलो कि अब क्या बचा मेरे पास। ध्यान से देखना, मेरे पास स्टार्टिंग में 1 1 एंड देन 1, उसके बाद फिर भी चाहे वो 0 हो या 2 हो मतलब नहीं है। तो स्टार्टिंग में 1 होना जरूरी है और रेंज मेरा 0 से लेके 2 तक है। अब यहाँ पे 1 हो सकता है लेकिन रेंज में 0 से लेके 2 ही हो सकता है। अब बराबर 1 2 1 1 0 5, ये मेरा ये सिलेक्ट हो गया, मेरा पहला कंडीशन ट्रू। एंड एक काम कर सकते हो आप, इसको एक ग्रुप बना सकते हो, इसको आप एक ग्रुप बना के ऐसे ऐड करके छोड़ सकते हो। अब ग्रुप बना दिया, इसका मतलब ये है कि कहीं और से नहीं होगा, ये एक साथ होना चाहिए। ये देखो बराबर स्टार्टिंग में मेरा ग्रुप है जिसमें ये दो सिलेक्ट हो गए, तो ये मेरा डेट बन गया। अब वी नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर एस्केप, ठीक है? ये बैकस्लैश, अब मैं डायरेक्ट लगा बैकस्लैश लिखता हूँ, मेरा सारा खेल खराब हो गया, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इन सब का अपना खुद की एक स्पेशल मीनिंग है इन रेजेक्स। तो अगर आपको ऑर्डिनरी बैक स्लैश चाहिए देन यू नीड टू यूज दिस फॉरवर्ड स्लैश। द मोमेंट आप एस्केप कैरेक्टर यूज करते हो, उसके बाद अगर आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर दोगे तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है एंड देन ये जो पर्टिकुलर पोर्सन है, ये मेरा परफेक्ट हो चुका है। नाउ वी नीड टू वैलिडेट ये वाला पार्ट, जो कि आपका क्या है, एक यहाँ पे 05 के बदले 15 कर देता हूँ। ये आपका क्या है, अब ये आपका डेट है, डेट, ठीक है? अब ध्यान से देखना, जो आपका डेट होगा ऑब्वियसली वो भी 01 से स्टार्ट होगा और 31 में जाके खत्म होगा। उस बीच क्या आ सकता है, 09 आएगा ज्यादा से ज्यादा, 0 के केस में, ठीक है? ये खत्म, आई मीन चलो यही कर देते, इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते, 09, ठीक है? उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, आपका 10 स्टार्ट होगा, 10 से लेके कितना तक जाएगा वो, 1 9 तक जा सकता है। फिर आपका 20 स्टार्ट होगा, जो कि आपका 29 तक जा सकता है ना, ये हो सकता है, ठीक है? अब उसके बाद बचेगा आपका 30 31, खत्म। अब उसके बाद कुछ नहीं होगा, 32 नहीं होगा। तो ये तो बहुत क्लियर है कि स्टार्टिंग का 3, रेंज में मैं बोल दूंगा इधर 0 या 1। चलो ये मेरा हो गया, ये तो हमने अभी जस्ट करके देखा था, ये तो अभी हमने किया ना, जिसमें बोलूंगा स्टार्टिंग में 0, रेंज में 1 से लेके 9। लेकिन अब इसका भी चाहो तो आप वही चीज कर सकते हो, और ऑपरेटर लगाओ,
यहाँ पे फिर इसका वही चीज कर दो कि वन एंड देन रेंज में आपका आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से जीरो से लेके नौ, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर वही सेम चीज टू एंड देन रेंज में आपका जीरो से लेके नौ। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पे आप जीरो और जीरो नहीं कर सकते, जीरो और जीरो नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसमें एक चीज देखो, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है एंड देन ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है बोथ आर सेम। अगर ये दोनों सेम है तो इसको मैं एक करके लिख सकता हूँ। इसको एक करके लिखने का मतलब ये है कि मैं वन एंड देन टू, 12 हो जाएगा, तो मैं इस तरीके से वन एंड देन टू लिख दूंगा एंड देन मैं ब्रैकेट में जीरो और नाइन लिख दूंगा। तो ये लिखना और ये दो लाइन ऑफ कोड लिखना बोथ आर सेम। इधर आप ये भी लिखो तो भी चल जाए, एल्स आप ये लिख सकते हो जिसमें एक जीरो एक नाइन टू जीरो टू नाइन, ये 12 नहीं है। बहुत सभी लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, बेसिकली कन्फ्यूज हो जाएंगे एंड इवन मैं भी फर्स्ट टाइम कन्फ्यूज ही हुआ था। मुझे भी लगा यार हमने, क्योंकि मुझे पता क्या लगा लिटरली, देखो अभी हम जो समझ रहे थे या तो जीरो वन हो सकता है, जीरो टू बेसिकली नाइन तक हो सकता है। मुझे लगा 120 होगा या 121 होगा या 129, समझ रहे हो, मतलब मुझे कुछ वैसा लग रहा था कि 120 से लेके हमें ये बेसिकली 129 तक आएगा क्योंकि रेंज वही है, 12 होगा इधर एंड यहाँ पे 0 से लेके 9 के बीच में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बट इन रियलिटी ये 12 नहीं है, इट्स 1 एंड देन ये बाकी का हमारे रेंज एंड देन 2 ये हमारे रेंज। इट मीन्स इधर ये आपका 10 हो सकता है या 19 जा सकता है एंड वहीं दूसरा अगर आपका ये 29 जा सकता है या तो 20 जा सकता है। तो इस तरीके से एंड ये तो बोलने वाली नीड ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है मैंने बताया रेंज दैट इज 0 1 हो सकता है एंड 0 19 भी हो सकता है, 0 19 नहीं होता, सॉरी 0 9 भी हो सकता है, 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से, ठीक है। एंड अब दूसरा एक डेट का फॉर्मेट ही हो गया एंड हम और ऑपरेटर इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि हमें तो सिर्फ वैलिडेट करना है। अगर किसी का भी डेट अगर इस रेंज में आता तो वो ये वैलिडेट कर देगा। अब किसी का भी रेंज अगर 10 तारीख से लेकर 29 तारीख तक है उनके लिए ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है ये वैलिडेट कर देगा। अब बच्चा खाली ये वाले रेंज के बच्चे जिसने 30 और 31 लिखा था उनको ये वैलिडेट कर देगा। अब यहाँ पे देखो ना कुछ भी इधर उधर के भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो इधर उधर के सिलेक्ट ना हो एंड आफ्टर ये जो बैक स्लैश है खाली एक जो ग्रुप है वही सिलेक्ट हो। तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ये एंड देन ये ही सिर्फ सिलेक्ट हुआ है, 15 नहीं हुआ ना 35 हुआ ना 0 1 हुआ, समझ रहे हो। अब रही बात ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको अब हमें सॉल्व करना है जो कि आपका बोल रहा है फ्रॉम 19 to 2029। देखो 1900 से लेके 2099 तक, अब ऑब्वियसली एक चीज हम देख सकते हैं कुछ हो ना हो इधर 19 या इधर 20, इधर 19 या इधर 20। अब यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ तो चलो दो थे तो मैंने 12 लिख दिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे भी चलो एक काम कर देते, यहाँ पे भी 19 20, क्यों 19 इधर है 20 इधर है। उसके बाद आप एक रेंज बना दो जिसमें बोल दो कि भाई 0 से लेकर 9 तक कुछ भी दो डिजिट आप रख दो। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा होगा ये मैं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा, ये तो इजी है बच्चों वाला जिसमें 0-9 एंड देन रेंज में दो, इसका मतलब ये है या तो 0 0 या तो 1 1 या तो 9 9 कुछ भी, मतलब 19 0 0 19 9 9 2 0 0 0 2 0 9 9 जो कि हमें चाहिए वो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा ये भी तो मैं कर सकता हूँ ना, राइट। तो सोचो गाइस एक काम करते ना, क्या सोचो ना, कॉपी करते एंड पहले तो फॉरवर्ड स्लैश एंड देन बैक स्लैश एक ग्रुप बनाते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। ये देखो ये मैंने एंटर तो कर दी, ये मैंने एंटर कर दी एंड डॉलर साइन भी लगा के इसको खत्म भी कर देता हूँ। बट नाउ देर इज अ प्रॉब्लम कि कुछ भी मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे एड, क्योंकि ये लिखने से पहले तक सब तो सेट था, सब तो बराबर थे, तो अब ऐसा कहाँ क्या हो गया कि भाई अब मेरा काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहली बात ये जो 1920 आपने जो लिखा है अगर आपके पास सपोज ये दो है तो ठीक था, बट अभी तो 4 हो गया ना, तो यहाँ पे अब आप एक और ऑपरेटर लगा दीजिए। अभी भी आप सोच रहे हो कि हमने ये कर दिया उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो गाइस जब भी आप ये कैरेक्टर क्लास यूज करते हो ये आप ऑलवेज बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, हम रेंज डिफाइन करते हैं बेसिकली कहाँ से लेके कहाँ तक। देखो यहाँ पे 1 और 2 लिखना और 1-2 लिखना बोथ आर सेम,
कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन आप इस तरीके से वन एंड देन टू भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिख रहे हो वो आपका मेंशन है। यहाँ पे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इतना लंबा क्यों लिखना, आप ये कर दो। वहीं ये 1 2 3 चाहिए तो आप 1 2 3 नहीं, ये 1 से लेके 3 तक कुछ वो ऐसा फंडा था। लेकिन अब ये 19 एंड देन 20 तो आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते ना, 19 एंड देन 20 आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, या तो 19 से लेके 20 अगर आप ऐसा करते तो पैटर्न इनवैलिड हो जा रहा है। ये बता रहा है कैरेक्टर रेंज इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो अब हम यहाँ क्या करें, तो गाइस सिंपल है, ये और ऑपरेटर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट हम एक ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इट्स अ कैप्चरिंग ग्रुप, मैंने उसी दिन आपको बताया था वी हैव दिस कैप्चरिंग ग्रुप एंड उसके अंदर या तो 19 या तो 20 एंड जो मेरे एक्चुअल में वैलिड, एक सेकेंड। सो गाइस अगर आप देखते हो तो ये एंड देन ये जो है यही दो सिर्फ ट्रू थे एंड ये ही सिर्फ मेरे प्रॉपर तरीके से वैलिड हो गए, बाकी सब इनवैलिड है। तो गाइस अभी ये जो हमने कोड लिखा ये था आपका वैलिडेशन एंड आई होप अब आपको पता चल गया होगा क्यों हम इतनी मेहनत करके, क्यों मैंने इस वीडियो को इतना लंबा रखा, ताकि आपको एक एक चीज में यहाँ पे एकदम डिटेल में बता सकूं। ठीक है, तो डेट फॉर्मेट लिख दीजिए रिटर्न ये, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको नो मैटर व्हाट ये स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग लगाना पड़ता है। डॉट वी हैव दिस टेस्ट मेथड, इसमें आपका ये जो डेट फॉर्मेट है ऐड कर दीजिए, खत्म, बस इतना ही करना रहता है। एक बार रिजेक्ट हमारा बन के रेडी, कोई टेंशन नहीं है। सो ये ट्रू है परफेक्ट, ये ट्रू है परफेक्ट, बट यहाँ पे देखो 2020 ये भी ट्रू है, चलो सही है, बट ये 1800 हो नहीं सकता, यहाँ पे 13 का भी हो ही नहीं सकता क्योंकि मंथ 12 ही रहता है, एंड यहाँ पे आई गेस ये जो भी ट्रू है, या दिस इज इट। सो या गाइस, सो आज इस वीडियो के लिए इतने, होप आपको तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक चीज ये है कि एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी भी क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक ऐसा डेट अब बन चुका है जिसमें फॉर एग्जाम्पल इट विल कंसिडर्ड, देखो 0 to 31 2020 ये जो पर्टिकुलर डेट है वो आप यहाँ पे अगर एंटर करते तो उसको कंसिडर्ड कर रहा है, बट इन रियलिटी जब फरवरी के महीने में तो कभी 31 होता ही नहीं है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। उसी तरीके से लीप ईयर, व्हेन इट कम्स टू योर लीप ईयर, तब देखो ना अगर मैं यहाँ पे 02 कर देता हूँ तब ये सही है, लेकिन अगर मैं 29 कर दूँ एंड लेट्स इमेजिन कि ये लीप ईयर भी नहीं है तो फिर भी ये 29 कैसे हो गया, समझ रहे हो। तो बेसिकली फरवरी के महीने में ही प्रॉब्लम आने वाला एंड बस एक और जगह पे आएगी, एंड दैट इज कि कोई कोई मंथ ऐसे है जिसमें 31 डेज नहीं होते, 30 डेज होते हैं, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है, ये देखो ये भी वैलिड है, बट इन रियलिटी जो चौथा महीना होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि अप्रैल का महीना तो 31 नहीं होता है, वो तो 30 होता है, तो भी ये वैलिड है। तो गाइस अब मैं चाहता हूँ एज अ चैलेंज आपको ये कंप्लीट करना है कि कैसे आप ये लीप ईयर एंड देन ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट इससे हमने पूरा डेट का फॉर्मेट जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। कल के दिन अगर किसी ने ये किया तो नहीं होगा, कल के दिन कोई अगर गलती से 13 लिख देगा स्टार्टिंग में तो भी नहीं होगा, ईयर अगर कोई गलती से यहाँ पे 12 के बदले 13 तो चलेगा, बट ये 33 लिख दोगे तो भी ये काम नहीं करेगा। एटलीस्ट डेट फॉर्मेट वाला जो पार्ट है वो तो मैंने रेजेक्स के थ्रू बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए, बट ये मई का महीना बेसिकली 30 तारीख वाला महीना एंड देन ये फरवरी का महीने एंड देन ये जो लीप ईयर है इसको आपको टैकल करना है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ प्रैक्टिस कीजिए, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो एटलीस्ट एक लाइक एंड कमेंट तो कर दीजिए आपको कैसा लगा, या अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी गाइस। एल्स ये तो वही बात होगी कि गाइस आप लोगों के लिए मैंने पूरा एक दावत रेडी रखा है, लेकिन आप लोग कब आए खा के भी निकल लिए मुझे कुछ पता भी नहीं, कौन आया कौन खा के निकल गया। अरे एटलीस्ट आए हो तो थोड़ा मिलो बात करो यार, थोड़ा भाई अच्छा लगा एटलीस्ट कुछ तो बोल दो, अच्छा नहीं लगा तो एटलीस्ट अच्छा नहीं लगा कुछ तो भी बोल दो, लेकिन आए खाए भी और निकल भी गए ये तो फिर क्या बात हो गई गाइस यार, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा बताओ, मुझे मोटिवेशन कैसे आएगा फिर ऐसे। तो एटलीस्ट आप देख रहे हो एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, कितना लगता है 30 सेकंड है, 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते होंगे, एक 30 सेकंड एक मिनट का काम तो है ये खाली, इससे आपका भी अच्छा हो जाएगा यार, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। या गाइस दिस इज इट, सो आज इस वीडियो के लिए इतने, फिर से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर,
बहुत जल्द रिएक्ट सीरीज आने वाला, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।